आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे के मध्य से गुजर रहे रेलवे के मुख्य ट्रैक पर स्थित फाटक 32 नंबर जो ट्रेनों के भारी आवागमन के कारण अधिकतर समय बंद रहता था, जिससे नगर वासियों भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। दोनों ओर वाहनों की लाइन लग जाती थी और फाटक खुलते ही भारी जाम की स्थिति बन जाती थी। इसलिए कस्बे वासी काफी लंबे समय से अंडरपास बनाने की मांग रेलवे व जनप्रतिनिधियों से करते आ रहे थे, जिसके फलस्वरूप रेलवे ने अंडरपास की स्वीकृति देकर आज से अंडरब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। वर्क इंचार्ज इंजीनियर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बताया कि हमें ब्लॉक मिलने में परेशानियां रही, जिससे कार्य में बाधा आ रही है। अभी डाउन लाइन में 5 घंटे का ब्लॉक मिला है। 20-22 तारीख तक गार्डर डाल देंगे। आगामी 15 से 20 मार्च तक कार्य पूरा कर आवागमन चालू कर देने की संभावना है। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम शत्रुघ्न त्रिपाठी है। क्या पोस्ट है आपकी? हम लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे, मिसर सिविल इंजीनियरिंग वर्क के। बताए आज के कार्य काम करा रहे हैं। काम चालू हो गया है, मशीनें भी आ गई हैं, क्योंकि ये बहुत दिल्ली मुंबई टिपिकल रूट है। यहाँ ब्लॉक की बहुत दिक्कत हो रही है। 5 घंटे का डाउन लाइन में ब्लॉक मिलना बहुत कठिन काम रहा है। इस वजह से अब मिल गया है और 20 तारीख को गर्डर लॉन्चिंग होगा और 22 तारीख को बॉक्स पड़ने की पूरी संभावना है। कब तक कंप्लीट होगा सर ये? पूरी हम लोगों की तैयारी है, मार्च तक कंप्लीट कर दें, 15-20 मार्च तक चालू कर दें।